हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता सिंह व्लॉग्स। गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मैं आगरा आई हूँ, और वो भी मेरे पापा जी का रिटायरमेंट है, मतलब मेरे फादर इन लॉ। तो ये स्टेशन है आगरा का, राजा की मंडी। यहाँ पे पापा जी ने काफ़ी टाइम अपनी सर्विस दी है और यहाँ सबसे ज़्यादा वो रहे हैं इस स्टेशन पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्टेशन पे, देखिए गाइस, इतना ज़्यादा कर्व है और ये बहुत रिस्की हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम होता कि जो चलती ट्रेन में से थोड़ा स्पीड कम होती है, उतरने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के बारे में सुनने को मिलता है। तो हे गाइस, ये देखिए, ये मेरी फैमिली है और वो साड़ी में, ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी जी हैं और ये मामी जी हैं। तो बस हम सब लोग आए हैं। ये पापा जी हैं ग्रे कलर की सफारी सूट में, और ये सब लोग पापा जी का वेलकम कर रहे हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स हैं। हम लोग स्टेशन पे हैं। मेरा ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टेशन पे हम लोग क्यों आते हैं। ट्रेन से कहीं हमें आना जाना होता है तो ही हम स्टेशन पे आते हैं। मेरे लिए तो सच में गाइस ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि स्टेशन एक ऐसी जगह होती है कि हम लोग को कहीं जाना होता है तभी हम स्टेशन पे आते हैं, या ट्रेन से हम कहीं लोग आए हैं तो हमें स्टेशन पे आना होता है फर्स्ट टाइम, वो भी पापा जी की वजह से कि स्टेशन पे हम लोग आए। इतना सब कुछ बहुत अच्छा वेलकम हुआ पापा जी का, और सारे जो पापा जी के स्टाफ मेंबर्स थे, उनके सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, सब लोग आए हैं। ये देखो, सब लोग वेट कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो इस वजह से सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो बस अभी हम लोग अभी अंदर जाएंगे। हॉल है, वीआईपी हॉल है जो बुक किया गया था पापा जी के रिटायरमेंट का फंक्शन करने के लिए। बस अभी चल रहे हैं हम लोग अंदर। अभी जाके बस देखते हैं, अंदर बैठते हैं और बस स्टार्ट होगा। और बाकी अभी फैमिली मेंबर अभी आए ही नहीं हैं, वो आ रहे हैं। हम लोग पहले आ गए, वो लोग पता नहीं कहाँ ट्रैफिक में फंस गए, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उन लोगों का कि ये देखो स्टार्ट भी हो गया पापा जी का, सब लोग वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग अभी आए नहीं हैं। हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से वो लोग भी आ जाएं, क्योंकि वो होता है ना कि पूरी फैमिली हो, ये सब चीज़ें मिस ना हो जाए। तो इसलिए था कि इसलिए मैं सबसे फ्रंट सीट पे आगे हमें बैठाया था। खैर, हम लोग फैमिली मेंबर्स थे तो हमें सबसे आगे बैठाया था फर्स्ट रो में, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की। हर एक जो भी चीज़ें हुई, जो भी पापा जी के लिए बोला गया, अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो कितना डिसिप्लिन थे अपने सर्विस टाइम में, और हर टाइम, मतलब कि टाइमिंग उनकी इतनी बेस्ट थी। सब लोग बस यही तारीफ कर रहे थे कि टाइम पे ऑफिस आना, किसी से डरना नहीं, अपना टाइम, अपना काम बिल्कुल टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे करके देना, और सब ने बहुत तारीफ़ की पापा जी की। तो ये सब पापा जी के स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, तो बस ये आते हुए सब लोग, और सब लोग मालाएं पहना रहे हैं। पापा जी का पूरा गला भर गया था मालाओं से अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं, मुझे था कि ये लोग अभी आ गए थे, पीछे बैठना पड़ा इन लोगों को। ओ, पीछे बैठे हैं ये लोग। खैर, पर कोई नहीं, अब मैं आगे बैठी हूँ तो इसलिए मैंने सारी वीडियोस बनाई, सारे फ़ोटोज़ लिए, सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में थी, पता है। सब लोग बस ये था कि तुम बना रहे हो तो तुम ही बना लो अब,
और किसी ने नहीं बनाया ना फ़ोटोज़ लिए, बस मामी जी थी उन्होंने लिए थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो बनाई, वरना सब कुछ बस मैं ही वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों ने जैसे कि होता है कि सिंगिंग प्रोग्राम भी था एक्चुअली, और जिसको जो आता था गाना या भजन जो भी आता था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए, बहुत जो भी जिसको जो सॉन्ग फेवरेट था उन्होंने गाया पापा जी के लिए। बहुत अच्छा लगा देख के। काफ़ी ये जो टाइम होता है ना गाइस रिटायरमेंट का, ये एक बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। आपने यानी कि पापा जी ने 38 साल अपने दिए हैं अपने इस सर्विस को, तो उस 38 साल की सर्विस से जब आप फ्री होने जा रहे हैं तो वो टाइम बहुत इमोशनली मतलब आपको कर देता है, होता भी है इमोशनल। और बस